समस्ती को मोर नमस्कार, जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हूँ अप्रैल 11 विश्व छेनापोड़ दिवस। ओडिशार नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट आमर ये छेनापोड़ी भारी प्रसिद्ध। आउ छेनापोड़ तैयारी होबार पछरे जो कहानी टी अच्छी सेटा तो आउरी नियारा। नयागढ़ दसपला गाँवर जड़े मीठा कारीगर, तांको नाम होची श्री सुदर्शन साहू। 1947 मीठा दुकान बंद कलापर बड़ी किसी छेना आउ चीनी को गोड़े दे कि चूली मुंडरे थोई दे कि पड़े सीए कौन जाने सका उठला बेलू के बढ़िया गोटे मैजिक तो सका आसिक दुकान खोलिक देखला बेलू जो चमत्कार टी आम आज्ञा बहुत धन्यवाद मन करुचु। सेटा होची छेनापोड़ तैयारी चलतु आउ डेरी न करी आज रेसिपी स्टार्ट करवा जोटा कि हूँ छेनापोड़। घरे केते बढ़िया छेनापोड़ आपण तैयारी करें तार आज मुझे रेसीपी आपण सहित सेयार करी तो डेरी न करी चलतु स्टार्ट करवा। तो छेनापोड़ तैयारी प्रथम मुझे गोटे खाली पत्र कहीं ना खाली पत्र निहाती दरकार छेनापोड़ कि खाली पत्र छेनापोड़ जो टेस्ट आपण दिगुणा पाइबे। तो मुझे नॉर्मली एमती करे पत्र गोटे आतु सब काठी और सूता बाहर करकी पत्र गुड़ाक अलग कर दिए। तो तापर देखा आम छेनापोड़ कौन कौन सब दरकार ये मुझे गुड़ सुजी चीनी क्षीर केसर गुजराती आ जो पत्र एंड गुआ घी। तापर आग आम कौन करवा क्षीर में आगे केसर टाक पकईद मुझे उषुम क्षीर नहीं बेसी गरम नुह कि पूरा थंडा नुहे जस्ट लाइट ल्यूकम क्षीर नहीं केसर पकईकि आगे रखीद एंड केसर पकेबाटा टोटली ऑप्शनल आपणकर। तापर गोटे जगह नहीं कि 750 ग्राम छेना नहीं पूरा चुपुड़ा पा बाहर जानारू आउ तापरे मुझे नहीं 1/3 कप छोट दाना सुजी तापरे 2/3 कप चीनी जोड़ा कि 1/3 रा डबल तापरे 1/3 कप गुड़ नहीं आम गुड़ चीनी आउ छेना को भल से चकटिबा गुड़टा को पूरा भल से चकटिबा आउ एठी एबे मु 1/4 कप पानी नेची जो जगार छेना थिला ताको पिछुड़ी देकिनी से पानी नेची 1/4 कप तापरे एठी भले से चकटिबा हाथ रे पानी देला परे तापरे 1/3 कप केसर खीर नेची खीर पकेकी तापरे आमे ताको पुणी तरे भले से चकटिबा मन रखंतु सबुबेले हाथ रे चकटिबे केना हाथ रे चकटले सेटा नेचुरली फर्मेंट हबो। तापरे मु 4 गुजराती नहीं गुजराती को आम छेचिक पकेबा आपन जदि चाहिबे चोपा अलग करके भी पकई पारे कि मु चोपा सह पकाए। तापरे 2 चम्मच 2 स्पून आम गुआ घी नहींचे गुआ घी पकेला परे आम हाथ से चकटवानी ताको स्पून रे ही मिक्स करवा। तापरे देखो तो जेहेतु मो हाथ से छेना को चकटी थी के बढ़िया से फर्मेंट होेतु आम हाथ से नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छी तो यहाँ फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट करिवारे हेल्प करे। तो एमती जाली जाली देखा हवा दरकार एमती हेले जानवे कि आपण छेनापोड़ भल हम। तापर ये मुझे गोटे बोरोसिल बोल नहीं मो खाली पत्र को भल से सजाड़ी रखिदेवी जेहेतु मो माइक्रोवेव रे बनईबी तो से मुझे बोलटा नहीं। तो तापरे एबे आमे कौन करिबा पत्र रे गुआ घी पकेकी भल से पत्र को ग्रीस कर दबा एंड सेतरे आमे बैटर को ऐड कर दबा एंड बैटर टा देखंतु मु जते बेले ऐड करूची केते बढ़िया से फर्मेंट हे छी देखंतु। तो एबे भल से सम्मान कर दबा सम्मान कर देकी टैप कर दबा टैप कर देकी तापरे आमे जाके माइक्रोवेव रे बसाई दबा। देखिए छेनापोड़ एबे केते नेचुरली राइज करिवो ना मुझे थे बेकिंग पाउडर मैदा कॉर्नफ्लोर अच्छी भी यूज करीची। तो एबे माइक्रोवेव मोड एंड टेम्परेचर कोची माइक्रोवेव मोड रहिबो माइक्रो प्लस कन्वेक्शन मोड। माइक्रो प्लस कन्वेक्शन मोड हेले 180 डिग्री सेल्सियस रे 60 मिनट्स पाइंकि आमे एना आग बसेबा
सो माइक्रो प्लस कन्वेक्शन 60 मिनट्स 180 डिग्री सेल्सियस एबे स्टार्ट कर दबा। खाली पत्र रे छेनापोड़ कुकेले बढ़िया फ्लेवर आसे। एठी 1 आवर कंप्लीट हो जाइछि। एबे हमें चेक करिबा केते दूर हेइछि कुक। तो देखंतु एठी साइड कुक हो जाइछि किंतु मझीटा एबे भी बाकी होछि कुक हबा। तो आउ थरे मु एठी माइक्रो प्लस कन्वेक्शन 180 डिग्री आउ हाफ एन आवर पाएंगे अर्ध घंटा पाएंगे आउ थरे बसाई देबी। तो यहाँ तो थिला माइक्रोवेव रो प्रोसेस। आपण जदि गैस रे बनैया को चाहूचन भी आपण बनै परिबे। सेम वे रे गोटे जागा रे बाली या लुण रखी किनी स्टैंड रखी कि गोटे जागा रे एमते बैटर रखी कि आपण ता उपर बसै परिबे लो फ्लेम रे 1.5 घंटा पाएंगे। तो एठी देखंतु मोर छेनापोड़ कंप्लीट हो जाइछि 1.5 घंटा परे एमती कलर आसीबो। तापर एठी मो छुरी रे चेक करली देखंतु छुरी पूरा क्लियर आछि ता माने छेनापोड़ हो जाइछि। जेतेबेले चेक करिवे मझीरु चेक करिवे आउ देखंतु आउ गोटे कथा एठी छेनापोड़ रो जो ऊपर पार्टा आछि सेथेरे जो तळे देखंतु सीरा आउ घी गोडा को रही जाइछि ता ऊपर पार्टा एब्जॉर्ब करनी कैना माइक्रोवेव रे कले डायरेक्ट हीट जेतु ऊपर बाजे तो ऊपरटा पोड़ी जाए किंतु सी एब्जॉर्ब करनी सीरा आउ घी। तो एना मते को अपसाइड डाउन कर दीची गोटे प्लेट रे एठी डीमोल्ड कला परे देखंतु बोल रे किछि भी लागिनी आउ तापरे पत्र गोडा को देखंतु एबे मो काढ़ की देखेबी। तो तार जो व्हाइट पार्टा अछि देखंतु केते बढ़िया से कुक हे जाइची। तो जाली जाली केमती देखा होची पूरा परफेक्ट फर्मेंट होची गोटे हनी कम परिका देखा होची आउ केते सॉफ्ट होची देखंतु। तो एठी मो अपसाइड डाउन कर देची जहाँ द्वारा कौन हम ना जो पोड़ा पार्टा रहिला सेटा भल से सीरा घी भल से अब्जर्व कर नबा एंड सॉफ्ट हो। तो निहाती 3-4 घंटा पई ताकू छाड़ी देबे जम्मा सांगे सांग छेनापोड़ तैयारी करके काटिबेनी। 3-4 घंटा भल से थंडा हो जीवो सेट हो जीवो भल से पागी जीवो तापर जाके काढ़े। आओ एठी मोर हो जाइछि निहाती मु 4-5 घंटा रखी देथिली। एबे मु काटिबी छेनापोड़ देखंतु केते बढ़िया से कटी जाउछि केते सॉफ्ट हेइछि। पोड़ा पटटा भी सीरा आउ घी भी भल से अब्जॉर्ब करनी आउ एत्ते सॉफ्ट हेइछि एत्ते बढ़िया छेनापोड़ होइतला ना दुकान दुकान परिका छेनापोड़ होइतला। आपण को माने आपण का घर को भी जदि नहीं कि भी जिबे छेनापोड़ समस्ते भाबिबे आपण दुकान रु किणी कि नहीं चंदी बनै कि नहीं नांती। एंड गोटे इम्पोर्टेंट कथा केबे भी छेनापोड़ रे बेकिंग पाउडर मैदा कॉर्नफ्लोर केबे भी पकेबेनी। हाथ रे मिक्स करिवे छेना को मु आपन को प्रोसेस देखेली सेम ती करिवे देखिवे नेचुरल वे रे फर्मेंट हबो नेचुरल वे रे राइज हबो फुलिबो आउ बहुत सॉफ्ट हुए किछि बेकिंग पाउडर दरकार नै। नेवर यूज बेकिंग पाउडर इन छेनापोड़। आ मु आको माइक्रोवेव रे बनै छी। आपन जदि चाहिबे गैस रे किबा काठ चुल्ली रे भी मध्य बनै परिबे। सेम प्रोसेस गोटे जागा रे बाली या लुण रखि दे कि स्टैंड रखि कि सेतरे गोटे खाली पत्र दे कि घी लगे कि बैटर दे कि सेम 1.5 घंटा पई कि आपन बसै परिबे लो फ्लेम। जेहेतु एप्रिल 11 रे श्री सुदर्शन साहूंकर जन्मवार्षिक सेही उपलक्ष्य आमे आज छेनापोड़ खाइबा आ विश्व छेनापोड़ दिवस पालन भी करिबा। हैप्पी छेनापोड़ दिवस। सो एटा थिला मोर छेनापोड़ रे रेसिपी। तो आपण माने निश्चय ट्राई करंतु एंड किछि भी जदि डाउट हुए कुकिंग प्रोसेस को नेकि या फिर टेम्परेचर को नेकि ताले मते कमेंट सेक्शन में निश्चय जणेबे मु आपनकु रिप्लाई बैक करबी। तो आशा करूछि आपण माननकु मोर ए वीडियो टी भल लागिथिबो एंड ए रेसिपी टा भल लागिथिबो। एंड जदि भल लागिथिबो प्लीज मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु एंड मु आउरी नुवा नुवा रेसिपीज आनिबी। ताले पुणी देखा हबो गोटे नुवा वीडियो रे गोटे नुवा ब्लॉग रे नुवा रेसिपी सहित। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Be happy and stay healthy. Bye-bye.